तो दोस्तों आप लोगों ने अगर वीडियो को चालू कर लिया तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको डीजे बजते हुए दिखाएंगे, लाइटिंग भी दिखाएंगे। मगर उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं भाई डीजे की डिटेल। तो जय श्री राम, जय श्री बालजी। दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल द मेरठ एक्सप्लोरर्स। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुज खतौली डीजे के बारे में। और अनुज खतौली डीजे आपको पता ही है कितना तगड़ा बज रहा था, और साउंड के मामले में बात करूँ तो भाई एक नंबर बज रहा था, और लाइटनिंग में तो भाई चार चांद ही लगा दिए थे और पूरी रात में भाई अलग ही चमक रहा था। तो पहले तो बात कर लूँ भाई, देखो डीजे आपको कितना बढ़िया लग रहा है देख के। इसके अंदर लाल बेस लगी हुई है FBT की, और भाई एकदम मज़ेदार, एक मतलब एक अलग सी ही वो आ जाती है इसके अंदर लाल कलर का। जब भी हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, इसे डेकोरेशन टाइप बोल सकते हैं आप। एंड ये देखो भाई साइड में भी इन्होंने भाई पूरा सेटअप करा हुआ है, पूरा मतलब ताबड़तोड़ ही बजने वाला है ये, एक नंबर भाई मज़े आने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग जो अपने भाई लोगों से बात कराएंगे, मगर उससे पहले बता दूँ कि आप लोगों को ये है डीजे अनुज खतौली, और साथ ही में जिसके अंदर लाइटें लगी हुई है वो लगी हुई है हमारे डीजे नितिन मुरादाबाद की, और मतलब काफ़ी बड़ा नाम है भाई लाइटनिंग में, भाई काफ़ी अच्छा लाइट चलती है इनकी। तो अब मैं यार अगर बात कर लूँ डीजे के बारे में तो हम लोग अब चलते हैं बात कराएंगे आपको डीजे के ओनर से, साथ में ऑपरेटर भी होंगे, और साथ ही में हम आपको बात कराने वाले हैं भाई नितिन भाई से, जिन जिनकी लाइट चल रही हैं। और डेकोरेटेशन की बात करूँ तो भाई देखो आगे पीछे से एकदम मस्त लग रहा है, और लाल कलर से तो भाई इसके अंदर जो लुक आ रहा है ना भाई अलग ही लुक आ रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। तो लेट्स गो यार चलते हैं। अब जरा मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को भाई लोगों को, ये रहे हमारे भाई अनुज भाई हैं, तो लेट्स गो। सो फाइनली गाइस भाई ये है अनुज खतौली डीजे, और भाई डीजे देखो कितना तगड़ा लगा रखा है इन्होंने, और मतलब कलर वगैरह सब मस्त लग रहा है, एंड कितनी बड़ी मतलब दीवार से लगा रखी है, पूरी लाइटिंग वगैरह का शो होने वाला है तगड़ा भाई, लाइटिंग में देख सकते हो आप लोग। और लाइटिंग की बात करूँ तो लाइटिंग हैंडल करेंगे डीजे नितिन भाई। तो अभी जो भाई बात करवाएंगे हम लोग आपको सभी भाई लोगों से, जो जो भी है भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं, और भाई देखो डीजे की जो दीवार है ना कितनी बड़ी मतलब इन्होंने खड़ी कर दी है, पूरी साइड में भी मतलब एक लगा रखा है कि हाँ भाई साइड से भी आ रहा हो जो भी आ रहा हो, और मतलब एकदम बेस वेस सब है यहाँ पे, मॉनिटर वगैरह आप लोग देख सकते हैं, एंड भाई बहुत ही बड़ा ट्रोला लग रहा है ये। तो अभी देखो भाई पीछे भी मतलब पूरा सेट कर रहे हैं भाई लोग, और भैया ये मतलब कितना बड़ा सेटअप, अभी इधर पीछे भी लगेगा क्या? हाँ जी। अच्छा पीछे भी लगेगा, यहाँ भी टॉप लगाएगी। अच्छा यहाँ भी टॉप लगाओगे। अच्छा अगर मैं बात कर लूँ मतलब टोटल कितनी बेस लगी रहेंगी इसमें? टोटल इसमें 24 बेस लग रही है। अच्छा 24 बेस लगी है, ट्रोला है मतलब पूरा ट्रोला 24 बेस का ट्रोला तैयार होगा। और मॉनिटर वगैरह की बात कर लूँ तो मॉनिटर वगैरह 16 टॉप है, 4 लाइनर है। और मतलब लाइटनिंग तो भैया आपने एक तो एक नंबर लगा रखी है सच बताऊं। और मैं आपसे भैया थोड़ा नाम पूछना चाहूंगा अपना, आपका नाम बताइए थोड़ा सा। नाम भैया डीजे अनुज खतौली से हूँ मैं। अच्छा डीजे अनुज खतौली मतलब अनुज भैया आप ही है, मतलब हम बिल्कुल सही शख्स के पास आ गए। तो भैया ये ओनर ये डीजे अनुज खतौली के, और इन्होंने बताया कि इसमें 24 बेस लगेंगी, और मतलब पूरा ऐसे एक तीन जगह से दीवार बन जाएगी, इधर से और उधर से, तो तीन तरफ से दीवार रहने वाली है, और मतलब जो भी है बेस वेस, और बेस तो मतलब तगड़े लगा रहे हो आप 24। तो और ये सभी मतलब भैया अभी काम चल रहा है, तो अभी आप यहाँ पे क्या लाए? ये अभी अनकम्प्लीट है जी। अच्छा हाँ अभी तो अनकम्प्लीट है, ये हमारा 12 इंची अच्छा 12 इंची का लाइनर है, तो ये मतलब पीछे टंगेगा जी। तो बेस कम्प्लीट लग चुकी है? बेस अभी लग चुकी है, अभी टॉप का काम बाकी है। अच्छा बेस अभी लग चुकी है। अच्छा अच्छा, और आपके ऑपरेटर भैया भी हैं क्या? ये हमारे ऑपरेटर। अच्छा भैया शुभम भैया ऑपरेटर भैया, कैसे हैं आप? ये हमारे करण भाई। अच्छा करण भाई भी ऑपरेटर हैं, तो भैया कैसे हैं आप बताइए? तो मतलब आप लोग ऑपरेट करने वाले कल डीजे, तो भैया मतलब बालाजी यात्रा में जो है आप पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? अच्छा घूमने के लिए पर सेटअप अपने आप सेटअप पहली बार लग रहा। अच्छा सेटअप पहली बार है, मगर पहले आप लोग घूम फिर गए यहाँ पर मस्ती में जा चुके हो। तो ये जो दूसरी गाड़ी है ये भी आप ही की है क्या? अच्छा एन के वालों की। चलिए ठीक ठीक टांडा से। अच्छा मैं ये बात कर लूँ तो ये कितने सेट लगे हुए अभी यहाँ पे? 15 सेट है, 15 एम मतलब इन पे जो है बेस कितने पे चलेगी? बेस 8 पे। 8 पे बेस चलेगी, 24 बेस 8 पे चलेगी, और जो वो होते हैं मॉनिटर वगैरह वो सब 7 पे चलेंगे, वो सब बाकी सब मतलब जो भी बचेगा लाइट वगैरह, लाइट का तो अलग सिस्टम रहता है, लाइट के अलग लगते हैं पायलट। लाइट अपने नितिन भाई मुरादाबाद ऑपरेट करेंगे। अच्छा तो नितिन भैया को एक बार बुला दोगे भैया? अच्छा वो भी उधर ही है, चलो ठीक ठीक भैया उन्हें करने दो, मैं अभी लेता हूँ। एंड ये भाई पूरा डीजे लगने वाला, और पूरी मतलब दीवार खड़ी कर रहे हो भैया आप तो है क्या? आपका नाम करण भैया है? करण भैया तो आप बताइए भैया आप मतलब कितना टाइम से भैया के पास ऑपरेटिंग कर रहे हो? भैया मैं तो चले जाता हूँ भैया, खासकर तो यात्रा वगैरह में या
कोई मतलब कंपटीशन वगैरह में जाता हूँ उनके पास। अच्छा मतलब कंपटीशन यात्रा वगैरह में आप जाते रहते हो, तो मतलब आप भैया के साथ ही? अच्छा जो हमारे भैया आएंगे ये मैन आएंगे, ये इनके पास में पर्सनली है। अच्छा ये पर्सनली है, मतलब ये रेगुलर बेस वाले भैया हैं? आप मतलब टेम्पररी हो, आप कभी आते हो आ जाते हो, है ना? साल हो गया। अच्छा अच्छा, और आप भी भैया? मैं तो ड्राइवर हूं। अच्छा आप गाड़ी चलाएंगे? टाटा भी है इनके मतलब। भैया बहुत मेहनत का काम रहता होगा गाड़ी चलाना भी? हां जी, बहुत मुश्किल काम रहता होगा। 11 साल हो गए इनके साथ रहते। अच्छा 11 साल रह गए भैया अनुज खतोली डीजे? अच्छा अच्छा 8 साल आपको हो गए। आप क्या करते हैं भैया? मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा गाड़ी चलाता हूँ भैया, बड़ी मुश्किल रहती होगी। अच्छा तो शुभम भैया आप बताइए थोड़ा, मतलब किस तरीके से होने वाली है ऑपरेटिंग आप कल की? वो तो कल ही बताएंगे जब। अच्छा कल ही बताओगे कैसी होने वाली है? अच्छा ताबड़ तोड़ तैयारी है पूरी, मतलब धूम मजा के जानी है? पहली बार हिसाब बना लेंगे। अच्छा पहली बार मतलब डीजे लग रहा है? बालाजी यात्रा में पहली दफा। बाबा का आशीर्वाद है और बालाजी महाराज भाई सदैव बना रहे, बाबा जी का आशीर्वाद तो सभी पर। और मतलब बाबा की कृपया, तो ताबड़ तोड़ी करके जो है ना हमारी जो मतलब हमारी इच्छा है वही पूरा बेस्ट करके दिखाएंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और भाई मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, आप करो कार्य। हाँ तो अभी जो है भैया वेल्डिंग वगैरह भी होगी कुछ, है ना? ये तो हो गया पूरा कंप्लीट, हो गया अब तो कनेक्शन हो गया, उसके बाद प्ले होगा। अच्छा मतलब अब कनेक्शन हो गया है पूरा? अब कनेक्शन हो गया। अच्छा कनेक्शन बाकी है अभी अनुज भाई? हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो कहाँ है नितिन भैया? कहाँ है नितिन भैया? अच्छा नितिन भैया क्या हाल है भैया आपके? तो मतलब आप थोड़ा बताइए जरा अपना, मतलब लाइटिंग ऑपरेट करने वाले हैं आप? जी जी हमारी लाइटिंग आई है, अनुज भाई की पूरी साउंड आई है। अच्छा अनुज भाई की पूरी साउंड है आपकी लाइटिंग है? और हम डीजे नितिन मुरादाबाद से। अच्छा डीजे आप मुरादाबाद से आए हैं? डीजे नितिन भाई बहुत बढ़िया, बहुत दूर से आए आप, आपका वेलकम है। अच्छा पब्लिक की डिमांड भैया, लाइटिंग देख के लग भी रहा है कि हाँ भी कुछ लगेगी लाइट, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल आपकी उम्मीद से ज्यादा और बेस्ट करके दिखाएंगे। बिल्कुल भैया जो बाबा के भगत है उनको अच्छा अच्छा दिखाएंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल, मतलब धूम मचाने वाले हो आप पूरे मेले में, लाइट बिल्कुल ताबड़ तोड़ भैया का साउंड और आपकी लाइट साउंड भाई की लाइट साउंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ तो मतलब आपको भी आप मतलब मुजफ्फरनगर जो ये मेला है बालाजी का, आप पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हैं? पिछली बार और आए थे। अच्छा अच्छा पिछली बार, दूसरी बार आना हुआ है। अच्छा चलो खैर मैं पहली बार खुद आया हूँ। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ तो आपके साथ भैया और कोई भी है क्या? हमारी पूरी टीम है। अच्छा आपके सारा? अच्छा हाँ बिल्कुल भैया काम जरूरी है, लगे पड़े हैं सारे के सारे। अच्छा अच्छा टेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं अभी सारे के सारे, साउंड और लाइट की थोड़ी देर में टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। तो भैया आप में से कौन है जो जिन्होंने मतलब साउंड को पहले भी सुना है कोई बताएगा? सारे कमेटी मेंबर सभी सुना है। हाँ का ये रे भैया व्हाइट बलियन वाले हैं। अच्छा ये है भैया, कैसा है? बढ़िया अवस्था है ना? एक नंबर साउंड है ना? और बाकी मतलब कल धूम मचा दोगे आप लोग? चलिए भैया तो मतलब कमेटी से कौन है? अच्छा भैया आप कमेटी से हैं भैया? जी भैया आपने बुक करा है अनुज डीजे? चलिए अच्छा हाँ बिल्कुल आप सबने मिलकर करा है। तो भैया आप थोड़ा मतलब डीजे के बारे में बताइए, आपने पहले भी सुना भाई क्या डीजे? काफी टाइम से करते आ रहे हो? अच्छा काफी टाइम से करते आ रहे हो, चलो भैया बढ़िया है। तो मतलब कल मजे आने वाले हैं बिल्कुल, है? चलिए भैया बिल्कुल भैया मतलब डीजे देख के लग भी रहा है भैया अनुज भैया, मेहनत हाँ बिल्कुल मेहनत एक नंबर करी है आपने डीजे पे, मतलब इसे लगाने में भी और मतलब बजाने में भी पूरी मेहनत रहेगी। सही लगे पड़े हैं सारे बंदे। हाँ सुबह से भैया काफी टाइम हो गया होगा, और मतलब करीब कितना टाइम लग गया इसको लगाने में? इसको लगाने में पूरा दिन ही लग गया अभी। अच्छा पूरा दिन ही लग गया। हाँ क्या हो रहा है अभी रात के? हाँ अभी तो टाइम भैया बहुत ज्यादा हो रखा है, 1 बज रहा है 1:30 बज रहा है अभी भी, तो 1:30 बज गया अभी भी लगी रहा है, तो सुबह तक हो जाएगा सेटअप? 2 घंटे लगेंगे। अच्छा 2 वायरिंग में लगे 2 घंटे वायरिंग में, और मतलब कंप्लीट टेस्टिंग वगैरह कितने बजे तक हो जाएगी? 2 घंटे लगेगा। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया भैया, आप लोग अपना कार्य कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सबने हमें अपना टाइम दिया और सभी को भाई बिल्कुल भाई चैनल बताएंगे और मतलब भाई कल देखेंगे बाकी। चलो भाई Yeah.